चढ़ाई है बौद्धनाथ स्तूपा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है डे टू ऑफ काठमांडू नेपाल। वैसे तो हमारी आज आइटिनरी में ये था कि हम सुबह 6:30 बजे उठ के चंडीगिरी हिल्स जाएंगे, उसके बाद फिर थामेल चले जाएंगे और आज हम वहीं रूम देखने वाले थे। बट कल पता नहीं वो झोल मोमोस खा के कुछ ऐसा तबीयत सही सा नहीं था तो उठ नहीं पाए, तो उस वजह से अभी हमें चेकआउट भी करना है पशुपतिनाथ वाले एरिया से और फिर अभी हमने सोचा था बौद्धनाथ जाते हैं, बट इट्स टू लेट नाउ। तो अभी हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे अराउंड द एरिया इधर ही कहीं और उसके बाद हम देखते हैं चेकआउट के बाद कि हम शायद बौद्धनाथ ही जाएं अभी, उसके बाद फिर हम जाएंगे थामेल एरिया। सो वी विल लेट यू नो। हम अभी आ गए हैं नंदन 100% प्योर वेजिटेरियन। ये है जस्ट पशुपतिनाथ जो टेम्पल है उसका जो गेट है उसके सामने और यहाँ पर काफ़ी भीड़ दिख रही है। तो हम ब्रेकफास्ट करने का सोच रहे थे, अब देख सकते हैं कितनी भीड़ है और यहाँ पे सब दिख रहा है अभी खाना क्या है, स्वीट्स एंड नमकीन स्नैक्स लिखा है। बहुत दिनों बाद अब दिख रहा है कि कहीं पे डोसा है, छोले भटूरे हैं, इडली है और मैं तो साउथ इंडियन ही प्रेफर करती बहुत ज़्यादा, तो मेरे लिए तो ये जन्नत है यहाँ पर। अभी देख सकते हैं बहुत बड़ा मसाला डोसा है और सांभर में ना ऑयल लग रहा है जो कि नॉर्मल होता नहीं है। सब खा के देखते हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया है, हमने मंगाया था मसाला डोसा और एक छोले भटूरे का प्लेट। मसाला डोसा हमें पड़ा अराउंड 400 नेपाली में एंड छोले भटूरे का 295 नेपाली एंड जो वाटर बोतल पड़ती है यहाँ पे 50 अराउंड कॉस्ट करती है। बट रिव्यू अकॉर्डिंग जो मतलब खाने का टेस्ट था, मतलब मुझे मसाला डोसा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने आधा छोड़ भी दिया और छोले भटूरे भी ओके था, मतलब यहाँ पे मिल गया वही काफ़ी है। कि अभी हम जा रहे हैं चेकआउट के लिए वापस होटल की तरफ, उसके बाद देखते हैं कहाँ को निकलते हैं। ये हमारी कैब जो हमने इन ड्राइव से करी है और हम इसमें जा रहे हैं बौद्धनाथ। तो हमें पड़ा ये 299 नेपाली में, यहाँ से है 2.7 किलोमीटर बौद्धनाथ जो स्तूपा है। हो जो यहाँ चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस करी है कि यहाँ पर जो लैंग्वेज कोचिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और मोस्टली वो है कोरियन, हर जगह कोरियन भाषा सीखे, जापानीज़, सो यही सब है काफ़ी। तो इससे पता चलता है कि क्योंकि इंडिया में नहीं देखने को मिलती इतनी ज़्यादा कोरियंस और इतनी ज़्यादा लैंग्वेज को लेकर, यहाँ हर स्ट्रीट में जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर यही दिख रहा है। मैंने देखा भी था, गूगल पर लिखा था कि सैटरडेज़ को काफ़ी भीड़ होती है। तो हमने टिकट्स ले लिए हैं और ये है 100 रुपीज़ पर पर्सन शार्क कंट्रीज़ के लिए। हमें ये मिला है, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि हमें बौद्धनाथ स्तूपा में और इसको चिंतामणि भी बोला जाता है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नेपाल में एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्तूपा इन नेपाल। और आप देखेंगे बिल्कुल स्वयंभूनाथ जैसा लग रहा है, हल्का हल्का, मतलब सेम वैसी स्टाइल का बना हुआ है और उसी टाइप की जो आईज दिख रही हैं अगर मैं जूम करूं तो इसके 4 कॉर्नर्स हैं और देख सकते हैं कि हर उसमें आईज, बुद्धा जी की आईज आपको दिखाई देंगी। ये ना पूरा एक 360 डिग्री हम इसमें क्लॉक वाइज, जैसे हमने स्वयंभूनाथ में करा था वैसे इसमें भी पूरा क्लॉक वाइज इसका परिक्रमा करी जाती है। स्तूपा के अंदर और कुछ ऐसा दिख रहा है। ये एक होली प्लेस है बुद्धिस्ट और तिब्बतन पीपल के लिए और यहाँ पे हमें वैसे दिख रहा है कि जो फ्लावर्स जो आपको दिख रहे हैं ये ऑफरिंग्स करी गई हैं बाय चाइनीज पीपल एंड इसलिए यहाँ पे टच करने के लिए मना करा गया है। और आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेडियों मेडिटेशन कर रही हैं, यहाँ पे जैसे दंड लगाते हैं ना वैसे इंडिया में हम जैसे मंदिर के आगे दंड लगाते हैं वैसे यहाँ पे कंटिन्यूस लगाते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब उनके लिए रिलीजियस साइट है।
जो आइज दिखाई देती हैं उन्हें बुद्धा जी की आइज कहा जाता है, जो डिनोट करती है विजडम को। और जो ये कलरफुल प्लियोफ्लेक्स दिखाई दे रही हैं चारों तरफ, ये डिनोट करती है 8 नोबल पाथ को। ये ऐसे लहराते हुए इस जगह को और सुंदर बनाती हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर रिलैक्स हैं बुद्धा जी के इस स्तूपा में, ये बस कहा जाता है। और दूसरा, यहाँ का ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली कब बना गया था ये एग्जैक्ट कोई, क्योंकि सब लोग अलग अलग कहते हैं। बट जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत गूगल किया है तो उसमें ये लिखा था कि ये पहले बना था, उसके बाद मुगल इन्वेजन हुआ तो उसके बाद फिर दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया पूरी तरीके से। जैसे हम सभी को पता है कि 2015 में एक नेपाल अर्थक्वेक के बारे में, और उस समय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ही ज़्यादा साइज़ पे, जैसे पशुपतिनाथ में भी हुआ था और दरबार स्क्वायर हो गया, भक्तापुर दरबार स्क्वायर भी, तो वैसे एक यहाँ पर भी बहुत डैमेज हो गया था। तो अभी भी यहाँ पे फिर काम चल रहा है उसका, और उसके बाद से काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुका है ये, और वो भी इसलिए ये सिम्बलाइज़ करता है जो यहाँ के नेपाली लोगों की पीस को और उनकी यूनिटी को, क्योंकि साथ में लोगों ने कंट्रीब्यूट करके इसे फिर से खड़ा करा है। तो बहुत सुंदर है ये, पीसफुल है, काफ़ी मस्ट विजिट प्लेस है। हम जब सामने पे कॉफ़ी शॉप है उसमें गए और हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे ना बबल टी लोग बहुत पीते हैं बहुत, पर हमने कहीं सुना है एक बहुत फेमस है, तो शाम को हम वहाँ ट्राई करेंगे। अभी तो हम लेमोनेड ले रहे हैं सिर्फ टू बीट द हीट। बड़े क्यूट और अलग से ही नेम है काफी। यूएस पर आपको, यूएस पर शर्म आपको, यूएस में जाते हैं। अच्छा, अभी हम निकालने वाले हैं एटीएम से कैश और देखते हैं कि कितना चार्जेस लगेगा और निकलता है या नहीं। अभी हम चेकआउट कर रहे हैं अपने होटल से, और हुआ ये था कि हम एटीएम से कैश निकालने गए थे, बट फिर हमने देखा कि हमारे कार्ड ना नेपाल और भूटान में काम नहीं करेगा और हमें पता नहीं था। तो उसके बाद फिर हम वापस आए बौद्धनाथ से, हम बौद्धनाथ के वहीं पर थे, फिर हम वापस आए, एक यहाँ पर रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, तो वहाँ पे जाके उन्होंने, वो राजस्थान के एक्चुअली, सो तो हमने उनसे बात करी, बट वो 3000 NPR में कट ले रहे थे उसका, और वो बहुत ही ज़्यादा था। फिर अभी हम अपने होटल आए, फिर हमने वहाँ बात करी, तो फिर हमने निकाले हैं 15,000 इन INR। तो उसके बाद हमें जो कट लगा है वो नॉर्मल जितना लगना चाहिए, आई थिंक 625 लगा है, सो आई थिंक वो रीज़नेबल है काफ़ी। और इसके बाद अब हमने इन ड्राइव से कैब कर लिया और हम जा रहे हैं थामिल में, तो वहीं पे हम कोई रूम देखेंगे और बाकी वहीं एक्सप्लोर करेंगे। जहाँ पे हम रुके थे अभी 2 दिन, क्योंकि ये पशुपतिनाथ के सामने था एक्चुअली, रहने तो हम वहीं वाले थे थामिल में, बट जब हम वहाँ से आ रहे थे रक्सौल से, तो सुबह हम पहुँच रहे थे, तो उस समय हमें चेकिंग नहीं मिलता, तो हमने वहीं पर से ले लिया, वहाँ पर जो ट्रैवल वाले होते हैं उन्हीं से हमने रूम करवा लिया। तो जब हम आए थे तो हम सोच के आए थे कि 2 दिन काठमांडू, फिर पोखरा, फिर गांधरुक, बट अभी ये पता, अगर आप आ रहे हो ना तो काठमांडू 2 दिन का नहीं है। और दूसरा, हमारा थोड़ा ना आइटिनरी ऊपर नीचे भी हो गई थी, इस वजह से हमें मतलब थोड़ा वो लग गया, बट यहाँ पर अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो थोड़ा दिन तो रहना ही चाहिए, मतलब मेन अट्रैक्शन ही काठमांडू है, और इधर का एरिया तो थोड़ा मतलब उतना वाइब नहीं देगा, मतलब अगर आपको नॉर्मल ऐसा चाहिए टेम्पल एरिया, मतलब थोड़ा विलेज टाइप एरिया, बट उधर जो हम थामिल एरिया पूरा नाइट लाइफ, मतलब पूरा रात को भी अगर आप ऐसा है कि आपको बाहर निकलना है, पूरा सिटी वाइब वही है, तो तब आप वहाँ प्रेफर करें। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब वहीं प्रेफर करें, बिकॉज वही है ना, आप रात को भी बाहर निकल सको, यहाँ पर 8:30 बजे सब बंद हो जाता है, और वहाँ मतलब सब स्टारी सब कुछ रहता है, सब शॉप्स ऑन है, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हुआ है ना। सो गुड बाय भैया, और ये स्टे बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द हेल्प विद द कैश। हमारा कैब इसने हमें ड्रॉप कर दिया, अब हम यहाँ पे रूम देखेंगे। मैंने चेक इन कर लिया है होटल कैपिटल इन में, जो थामिल में है काठमांडू। हमें पहले, अभी हमने देखे 2 दिन ऑप्शंस, पर थोड़े अंदर थे और हमें ऐसा चाहिए कि एक ही दिन के लिए, तो हमें बिल्कुल नज़दीक में चाहिए था, तो हमें बहुत नेगोशिएशन करने के बाद ये रूम मिला है इंडियन रुपीज़ में 1100 में, ये देख सकते हैं आप, ये है, एसी भी है, टीवी भी है, यहाँ पर कैबिनेट्स हैं,
ये, और ये है वॉशरूम। तब तक ले आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो पूरी नेपाल ट्रेवल सीरीज जाके मेरे चैनल पे ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी।